हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही अच्छा क्लास हुआ था। तो आज हम लोग और आगे चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट जो है ये आखिर है क्या, हम लोग को पढ़ना इसमें क्या है। तो इसमें जो है, जो सब्जेक्ट जब पढ़ना पड़ेगा तो सब्जेक्ट में हमको नंबर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नंबर पढ़ेंगे नहीं तो हमको समझ में आएगा ही नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। और पर्सन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नंबर एंड पर्सन, ठीक है, ये तीन चीज़, दो चीज़ जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले नंबर बात कर लेते हैं। अब नंबर क्या है? तो नंबर वचन, ठीक है, और ये क्या होता है? पर्सन, पुरुष होता है, ठीक है। तो नंबर जो होता है वो दो टाइप होता है, ठीक है। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, और सेकंड है प्लूरल नंबर, ठीक है। ये दो नंबर होता है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। सिंगुलर यानी वनली वन, ठीक है, वनली वन डिनोट्स, और प्लूरल मीन्स टू और मोर देन टू, है ना, मोर देन टू, दो या दो से अधिक हो तो उसे प्लूरल नंबर, और ओनली वन डिनोट्स हो तो उसे सिंगुलर। पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन जो है ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। ये कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन टाइप का होता है पर्सन, ठीक है, और ये दो टाइप का होता है नंबर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर आई मीन वनली वन। अब जैसे यहाँ पर लिख दें हम मैंगो, ठीक है, और इसका कर दें मैंगोज, तो ये तो हमारा प्लूरल हो गया और ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब क्या सब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल होता है? क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है? तो जी हाँ होता है, सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है, ऑफ कोर्स होता है कि नहीं। तो पहले ये समझ में आया, नंबर तो आसानी समझ में आ गया होगा। पर्सन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि पर्सन जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन को यानी स्पीकर को जो है, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो होता है हियरर को सेकेंड पर्सन बोलते हैं, सुनने वाला हियरर, ठीक है। अब स्पीकर है तो इसमें दो ही चीज़ आएगा, या तो आ जाएगा और या तो वी आएगा। ये दो ही जो है आई और वी, इससे जो है स्पीकर का बोध होता है, यानी बोलने वाला। जैसे मैं हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं स्पीकर हो गया, है कि नहीं, ठीक है। अब यू जो होता है वो हियरर, ठीक है, सुनने वाला। जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हियरर, ओके। अब थर्ड पर्सन जो है अबाउट, ठीक है, थर्ड पर्सन आई मीन अबाउट। अब किसी के बारे में कहा जाए, ठीक है ना, तो उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। अब थर्ड पर्सन में जो है अब किसी के बारे में बात करेंगे, जैसे उसकी, ठीक है, उसका, वह, ही, वह, ठीक है। तो ये मेल के लिए और ये जो है फीमेल के लिए, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अबाउट है ना, इट भी है, ठीक है, और दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है कि नहीं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये हो गया, और थर्ड पर्सन ये प्लूरल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? प्लूरल, और ये हो गया सिंगुलर, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसमें जो बात करते हैं यू, अब यू की बात करें, ठीक है, वाई ओ यू, तो यू है तो इसको समझने से पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, यू है और खाली स्थान है, ए गुड बॉय है, और ब्रैकेट में है एम और आर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस है कि यू है और खाली स्थान है, और यहाँ पर है ए
फार्मर, ठीक है, ये फार्मर ब्रैकेट में है, वाज और वर, ठीक है, वाज और वर। थर्ड है, थर्ड इधर लिख देता हूँ, थर्ड सेंटेंस है कि ऑल ऑफ यू, अब खाली स्थान है, ठीक है, खाली स्थान है, ऑल ऑफ यू आर, यहाँ पर है गुड, और ब्रैकेट में इज और आर, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो वर्ब आएगा जो ब्रैकेट में है एम और आर, वो एम होगा कि आर भराएगा, ठीक है। तो देखिए यू जो होता है, यू हमेशा जो है वो ये तो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है कि नहीं, सिंगुलर में भी यू का यूज होता है लेकिन प्लुरल भी होता है यू, है कि नहीं। तो ये सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन ये जो वर्ब टेक्स्ट प्लेस करता है वो हमेशा प्लुरल वर्ब में टेक्स्ट प्लेस करेगा, ठीक है। तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, ये जो है वो प्लुरल वर्ब में लेता है, ठीक है। तो ये प्लुरल वर्ब टेक्स्ट प्लेस करता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, यू के साथ हमेशा आएगा तो प्लुरल वर्ब भी आता है तो आर इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो आर इसमें सिंपल सा भर देंगे, इसमें क्या भराएगा, तो वाज जो है वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है और वर जो है वो हमारा प्लुरल वर्ब है, तो इसलिए जो है यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ऑल ऑफ यू, अब ऑल ऑफ यू, ठीक है, तो यू यू हमेशा सिंगुलर वर्ब टेक्स्ट प्लेस करता है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी